हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज अमरीन। गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं वंडर हब के बारे में, क्योंकि वंडर हब ने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला है फुकरा इंसान से रिलेटेड, कि फुकरा इंसान इज द विनर ऑफ बिग बॉस हाउस। हाँ, देख लीजिए आप उनकी ये वीडियो। बताऊंगी तीन रीजंस आपको फुकरा इंसान के लिए वोट क्यों करना चाहिए बिग बॉस पे और उसको जिताना चाहिए। पहला रीजन, उसने बहुत ही अच्छे से अपने आप को कंडक्ट करा है थ्रू आउट द सीजन। आई थिंक वो एक बहुत ही बढ़िया मैच्योर पर्सनालिटी बन के निकला है, जो कि बिग बॉस जीतने की विनर की एक क्वालिटी होती है, एंड इसीलिए मैं उसे सपोर्ट करती हूँ। तो यस गाइस, मेरे लिए भी फुकरा इंसान ही बिग बॉस के विनर रहेंगे इस सीजन। मैं भी यहाँ पे फुकरा इंसान को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अपनी उस वीडियो में उन्होंने ये बताया है वो तीन रीजन जो उन्हें बनाती है बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर। तो यस, उन्होंने बताया फुकरा इंसान की। उन्होंने अपने बेटे से भी पूछा कि बहुत छोटा है असर, कुछ ही महीने का है, लेकिन वो भी बोला वोट फॉर मामू, वोट फॉर मामू। उन्होंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि कौन से तीन रीजन हैं जिसकी वजह से फुकरा इंसान ही विनर होना चाहिए। वो अपने घर भी गए, अपनी मम्मी से, अपने फादर से, ट्रिगर इंसान से पूछा उन्होंने कि क्या रीजन है कि फुकरा इंसान ही बिग बॉस का विनर होना चाहिए। तो सबने अपने अपने तरीके से बताया कि हाँ, हमारे हिसाब से ये तीन रीजन हैं फुकरा इंसान के जीतने के। तो यस गाइस, और यहाँ मैं भी आपको बता देती हूँ कि मेरी कौन से तीन रीजन हैं जिसकी वजह से मैं फुकरा इंसान को समझती हूँ विनर के तौर पे। और मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको मेरे तीन रीजंस कि वाई फुकरा इंसान शुड विन द बिग बॉस ओटीटी सीजन 2। और मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको मेरे तीन रीजंस। सबसे पहली बात कि वो लास्ट 60 डेज से उस टॉर्चर हाउस में रह रहे हैं और लोगों की टॉर्चर सह रहे हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ बेबिका को। बेबिका हमेशा से उनके साथ में आर्ग्यूमेंट में रही हैं, उनसे लड़ी है, झगड़ी है बेफजूल का, एंड हमेशा उनके साथ में उनका कुछ ना कुछ हाथापाई चलता ही रहता है। इस हिसाब से तो मेरे ख्याल से उनको कब का बिग बॉस से हटा देना चाहिए था, घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, बट वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बेबिका ने हमेशा फुकरा इंसान के ऊपर हाथ चलाया है, चाहे वो कुशन से चलाया हो, चाहे ऐसे ही चलाया हो, कुछ ना कुछ हाथ चलाती ही रहती है फुकरा इंसान के ऊपर। तो इस वजह से तो उनको कब का निकाल देना चाहिए था। तो वो एक रीजन है कि वो 60 डेज से उस टॉर्चर हाउस में, बिग बॉस के हाउस में है। और दूसरा रीजन मेरा ये है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे से गेम को समझते हैं और उनको पहले से ही सब कुछ पता चल जाता है। मतलब वो बहुत ही मैच्योर बिहेव करते हैं, एंड उनका ये है कि अगर घर में कोई हिडन टास्क भी होता है तो उनको वो समझ में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छी तरीके से गेम को समझते हैं। तो ये भी एक रीज़न है, ये मेरा सेकेंड रीज़न है। और थर्ड रीज़न ये है कि वो मुझे बहुत पसंद है, एंड वो मेरे बेटे के भी फेवरेट है, उनका बहुत बड़ा फैन है मेरा बेटा। तो इस वजह से भी कि वो मेरा फेवरेट भी है, एंड एज अ पर्सन भी वो बहुत अच्छे हैं। एंड ऐसे तो मुझे बिग बॉस हाउस में एल्विश, मनीषा एंड फुकरा इंसान तीनों ही बहुत पसंद हैं, लेकिन थोड़ा सा झुकाव मेरा फुकरा इंसान की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वो मेरे थोड़े ज़्यादा फेवरेट हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि फुकरा इंसान ही इस बार बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर बने। और मेरे इस वीडियो को जितना हो सके आप सब लोग शेयर करना, क्योंकि फुकरा इंसान ही डिजर्व करता है बिग बॉस इस सीजन का विनर होने का। एंड क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पेशेंटली उन्होंने पूरे सीजन को मतलब खेला है। और आप लोग भी अपनी राय दीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे कि क्यों फुकरा इंसान डिजर्व करता है बिग बॉस जीतने के लिए, विनर होने के लिए। तो मेरे ये तीन रीजन हैं। मेरे पास बहुत सारे और भी पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्यों आपको क्या लगता है कि क्या तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से फुकरा इंसान की, जो उन्हें विनर बनाती है बिग बॉस के लिए। कमेंट जरूर करिएगा एंड बताइएगा अपने तीन रीजंस फुकरा इंसान को बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर बना। तो गाइस, मैं यहाँ चाहती हूँ कि हम सब मिल करके फुकरा इंसान को जिताएं यहाँ पे। और हम एक बार वोट नहीं कर, हम कई बार वोट कर सकते हैं, मल्टीपल वोट के साथ में फुकरा इंसान को यहाँ पे हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब जो भी फुकरा इंसान को पसंद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सब
लोग एक बार नहीं, आप लोग कई बार वोट कर सकते हो एक ही इंसान को। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मल्टीपल वोट्स दे करके फुकरा इंसान को बिग बॉस OTT सीजन 2 का विनर बनाएं। तो प्लीज डू कमेंट एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे बहुत सारा लाइक दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि सब लोग फुकरा इंसान को वोट करें और उन्हें बिग बॉस का विनर बनाया जाए। एंड जल्द ही मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।